फैसल कुरैशी और सहर खान जो है वो साथ में नजर आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि यू नो फैसल भाई के साथ में काम कर रही हूँ। टैप मॉम टाइप का कैरेक्टर हमें नजर आने वाले इस ड्रामे में, आपको कुछ मसाला निकालने की कितने ट्विस्ट हैं इसमें इस स्टोरी में कि आप अभी कुछ होता है फिर यू नो कुछ और हो जाएगा। कहकशां की पूरी कोशिश है कि मैं सस्पेंस खराब कर दूं, सारी स्टोरी बता दूं। मेरा ख्याल है कि हमें सस्पेंस खराब नहीं करना चाहिए। रैपिड फायर है, बिरयानी और निहारी। बिरयानी 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 बिरयानी। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट, माय मोबाइल। बॉलीवुड से ऑफर आई तो किसके साथ काम करना चाहेंगी? पहले मैं यहाँ काम करना चाहूंगी। Hi, this is Kehkashan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. The chat box में वैसे तो आपकी मुलाकातें बड़े बड़े सितारों के साथ होती ही रहती हैं, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने लगी हूँ उन्हें आपने इससे पहले फासिक में देखा है, जख्म में देखा है रिसेंटली, और अब उनका एक और नया ड्रामा जो है वो स्टार्ट होने वाला है जिसमें वो एक बड़े स्टार हैं हमारी इंडस्ट्री के, फैसल कुरैशी के साथ नज़र आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ सहर खान की, और अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं लेकिन आज हमने ख़ास तौर पर उन्हें इन्वाइट किया है फ़र्क के बारे में बात करने के लिए। और ये जो एक्सपीरियंस रहा है उनका फैसल के साथ काम करने का, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था जब मैंने दोनों को टीज़र में साथ देखा। इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है आपको मुझसे एक ही साल में तीसरी दफ़ा मिलके? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, लगता है अपना है। हाँ, और मैं मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, और आपको भी अच्छा लगता होगा मुझसे मिलना। हाँ, बिल्कुल। हम लोग वैसे बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, है ना? हाँ, नहीं ऐसे ही हम जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है रोज ही मिलते हैं शायद, और हर बार हमारे पास कुछ एक नई बात करने को होती है। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप बताइए क्या चल रहा है आज? मज़ा आया वैसे? आइए, ताबिश के शो में आई हुई थी, इनको यहाँ पे मैंने पकड़ लिया है और इनसे बातें करने के लिए हम बैठ गए। ज़बरदस्ती इनको जाना भी है, आगे बहुत सारी चीज़ें लाइन अप है, लेकिन आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आज यहाँ पर भी? बहुत अच्छा, लेकिन एक भी सवाल मैंने सही नहीं दिया आज। जवाब लास्ट टाइम मैं तुक्के मेरे सारे सही निकले थे, इस दफ़ा आज सारे गलत हुए। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बताएं और क्या चल रहा है प्रोजेक्ट्स में अभी, कहाँ कहाँ आप नज़र आने वाली हैं, लाइफ में क्या क्या मज़ेदार इस वक्त चल रहा है? अच्छा, अभी लाइफ में तो वही शूटिंग ही चल रही है, और अभी फ़िलहाल मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है फ़र्क। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जियो पे मुझे दोबारा देखेंगे, और वो भी बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है। तो बस वही, उसकी शूटिंग में हम लोग बिजी हैं, और इंशाल्लाह यू नो जल्दी ऑन एयर भी होने वाला है, टीज़र्स उसके आ गए हैं स्क्रीन पर, तो बस उसी की शूटिंग में। फिर मेरा एक और प्रोजेक्ट भी है वो किसी और चैनल से, उसकी भी कमिटमेंट्स है मेरी, तो उसके लिए मुझे इस्लामाबाद जाना है, वो नेक्स्ट मंथ से प्लान है। तो बस अभी तो फिलहाल यही है, डेट्स ही मैनेज कर रही हूँ। ये एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है जब आपके पास काम ज़्यादा हो ना। हाँ, फिर चीज़ें अलाइन। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ यार ब्लेस कि हम काम कर रहे हैं, और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। हाँ बिल्कुल, ऐसी है। फ़र्क के बारे में बताइए, जब से टीज़र आया है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पर, लोग पूछ रहे हैं, जो मुझे थोड़ा थोड़ा सा लगा, एक तो सबसे यूनिक बात इसमें यह है कि फैसल कुरैशी और सहर खान जो है वो साथ में नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आपके लिए भी ये यूनिक एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल, फैसल भाई के ड्रामे देखते देखते तो हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि यू नो फैसल भाई के साथ मैं काम कर रही हूँ, और इंसान भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर एसएन भाई हैं, एसएन भाई के साथ मैंने पहले भी प्रोजेक्ट किया है, तो एसएन भाई का प्रोजेक्ट है, और मज़ा आ रहा है। हाँ, तो डांट वाट पड़ी है एज अ सीनियर एक्टर जब कोई आपको सिखा रहा होता है या आपके साथ शूट होता है, तो वो होता है ना कि भाई मैं तो सीनियर हूँ यार, नहीं कहीं पर हुआ ऐसा कोई? नहीं, फैसल भाई बहुत फ्रेंडली हैं, कभी भी मुझे सेट पे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, वो मुझे कभी कभार बोलते हैं, बहुत बोलती हो और ये वो मुझे कहते हैं कुछ कुछ, कभी कभार यू नो जुगत लगा देते हैं, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छा है। मुझे कभी भी सेट पे फील नहीं हुआ ये ना कि एक टैंट्रम्स होते हैं ना सीनियर्स के। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट किए मुझे सब एक्टर्स अच्छे ही मिले हैं। अभी तक याद है जब मैं पहले दिन सेट पे आई, पहले दिन तो मैं उनसे फोटो शूट पे मिली थी जब हमारा लुक टेस्ट था। या आप उनसे पहली बार ही मिली है मतलब? नहीं, अब मैं जियो के शो पे एक दराज का एक शो था उस पर मैं फैसल भाई से मिली थी। अच्छा, तो फैसल भाई वो दुआ करे थे, उस दिन मैच था। अच्छा, कुछ था उस दिन, तो वो सब रो रहे थे बैक स्टेज, किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर जब सब शो हुआ तो सब हंस हंस के आगे जाने लग गए। तो उस दिन मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी फैसल भाई से। अच्छा, तो हाँ मतलब लेकिन पता ही नहीं चलता उनसे पहली हो आखिरी हो, बहुत यू नो फ्रेंडली हैं, इंजॉय कराते हैं। सेट पे पहला दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप उनसे मिली, सीन समझे, सीन करते हुए मज़ा आया? पहला दिन मेरा महमूद सर के साथ था, महमूद असलम के साथ। वो कमाल इंसान है, मतलब मैं कहती हूँ मैंने आज तक अगर किसी एक्टर के साथ इंजॉय किया है वो महमूद सर है।
मतलब महमूद सर अब उनका काम ख़त्म हो गया है, लाइक उनका लास्ट डे हो चुका है, वो चले गए हैं, तो मैं इतना मिस कर रही हूँ उन्हें, महमूद असलम को इतना मिस कर रही हूँ। मैंने हमेशा उन्हें यू नो बुलबुले में देखा था, महमूद साहब महमूद साहब कहते हैं। आई थिंक उनको ये कोई भूल नहीं सकता कि जब भी महमूद साहब की बात हो वही महमूद साहब याद आ। तो उनके साथ मेरा काम शुरू हुआ था और लाइक वो मेमोरेबल डेज है मेरे के यार वाकई स्टार्टिंग। तो सब बहुत सपोर्टिंग है और सब बहुत मज़ा आया, मज़ा आ रहा है। हाँ सब बहुत सपोर्टिव है, अच्छा लग रहा है। कहानी किस बारे में है, थोड़ा सा कहानी के बारे में बताएं और अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताएं कि इस बार आप ऑडियंस को किस नए रूप में नज़र आने वाली हैं। अच्छा ड्रामे का नाम हमारा फ़र्क है, तो फर्क, फासिक, जख्म। तो ड्रामे में ना फ़र्क ही दिखा है, लाइक अगर आप एज डिफरेंस देखें, पैसे के हिसाब से देखें या किसी भी तरीके से, तो इस ड्रामे में एक्चुअल में जो स्टोरी का वो है, जो मैं एक वर्ड में बोलूँ वो फ़र्क है, कि वो फ़र्क दिखाया है हर चीज़ में, और फिर वो फ़र्क किस तरह से भरता है, अच्छा भरता भी है या नहीं भरता। तो लाइक मज़े की स्टोरी अभी इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, टीज़र से काफ़ी हद तक लोगों को पता चल गई है, तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी, आपने डिफरेंस की बात की है और फिर आप फैसल कुरैशी के साथ आ रही हैं और आप में और उनमें यकीनन एज डिफरेंस भी एक मैटर करता है, तो लोगों की तरफ से बड़ा बैकलैश भी आता है कि भाई इतने बाप की उम्र के आदमी के साथ जो है वो हीरोइन बिठा दिया है और एज में बहुत डिफरेंस है, यू नो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती, तो इस बारे में कुछ सोचा आपने कि ये इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करेंगी अगर कुछ इस तरह का होता है फ्यूचर में? मुझे लगता है कि जब तक किसी ने ड्रामा नहीं देखा होता ना तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकता। जब जिस दिन से हमारी पहली एपिसोड स्टार्ट होगी लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टोरी है, और जैसे ही वो स्टोरी यू नो देखते रहेंगे कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा ओ ये कैरेक्टर्स हैं, फिर वो कैरेक्टर्स की तरह उन्हें देखेंगे, फिर वो ये नहीं देखेंगे यार सहर है या फैसल भाई है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ये कोई स्टेप मॉम टाइप का कैरेक्टर हमें नज़र आने वाला है इस ड्रामे में? आपको कुछ मसाला निकालने की कोशिश कह सकते हैं आप लोग, लेकिन लेकिन ये है कि बहुत यू नो लाइक इतने ट्विस्ट हैं इसमें इस स्टोरी में कि आप अभी कुछ होता है फिर यू नो कुछ और हो जाएगा फिर कुछ और हो जाएगा फिर कुछ और हो जाएगा, तो लाइक मज़े की है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे स्टोरी टिकी हुई है, मतलब बहुत सही चीज़ें हैं इसमें। सबसे अच्छी बात फ़र्क की क्या लगी है आपको जिसकी, और ये रोल आपने करने के लिए हामी कैसे भरी ये भी बताएं। मैं जियो का कोई भी प्रोजेक्ट हामी भरने के लिए ना असद भाई और अब्दुल्ला भाई की बोलते हैं कि तुम कर रहे हो, मैं कहती हूँ ओके असद भाई ओके अब्दुल्ला भाई, तो ये भी है, और मुझे पता है वो हमेशा मेरे लिए यू नो अच्छा ही स्क्रिप्ट निकालते हैं, तो इस दफ़ा जब उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोजेक्ट है फिर ऑब्वियसली एसन भाई थे और फिर कास्ट इतनी अच्छी थी फिर स्टोरी भी अच्छी थी, तो डिफरेंट मुझे ये लगा कि मतलब लाइक जब आपके साथ इतने सीनियर्स हो तो फिर आप क्यों मना करोगे, तो और कुछ डिफरेंट करना चाहिए आपको, तो मुझे लगा कि मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट गया है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, तो अब जो है वो थोड़ा चेंज है तो वो ज़रूरी है अब, तो लाइक अच्छा वर्किंग विद एन विद अ वेरी मैच्योर एक्टर, कहीं पर नर्वस हुई आपके यार इतने मैच्योर एक्टर हैं उनका ऑलरेडी नाम है इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी नर्वसनेस थी थोड़ी या नॉर्मल काम हो गया? अच्छा मैं एक्टिंग ना सोच के नहीं करती, तो मुझे लगता है अगर मैं सोचती तो मैं नर्वस होती, तो मैं कभी भी नहीं सोचती। फैसल कुरैशी के सामने साहिर खान नर्वस नहीं हुई? हाँ मैं नहीं, फैसल भाई के अलावा भी लाइक महमूद सर भी थे और भी इससे पहले भी सीनियर्स के साथ आपने काम करते हो, तो एज एन एक्टर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं उस स्क्रिप्ट में होती हूँ, उस कैरेक्टर में होती हूँ, अगर मुझे पता है इस कैरेक्टर का नाम अरीज है या यू नो जो भी कैरेक्टर का नाम है मुझे पता है अब मुझे अरीज को परफॉर्म करना है, तो मैं उस अरीज की तरह सोच के परफॉर्म कर लूँगी, मैं ये नहीं देखूँगी यार सामने कौन एक्टर, मैं उस कैरेक्टर की तरह लूँगी, तो मैं सोचती नहीं हूँ, जो मुझे लगता है हाँ ये कर देना चाहिए हाँ कर, लेकिन हाँ मैं एडवाइसेस लेती हूँ, अगर मेरा कोई सीनियर मुझे बताता है कि सर आपको यहाँ ये कर लेना चाहिए तो मैं बोलती हूँ हाँ बिल्कुल एडवाइसेस लेनी चाहिए, तो मैं फिर अमल भी करती हूँ। तो क्या खास बात है वैसे इस कैरेक्टर की, अब तक के जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है या कुछ मिलता जुलता सिमिलर? सिमिलर तो हर लड़की मुझे लगता है एक जैसी होती है, तो अगर लड़कियाँ बेचारी सारी एक जैसी होती हैं, उनके भी ख्वाब होते हैं, मासूम होती हैं, कुछ थोड़ी सी तेज भी होती हैं, कुछ यू नो लाइक तो सियानी भी होती हैं। हाँ सियानी चल रहा है आजकल तो मुझे याद आया। हाँ तो ये भी यू नो नॉर्मल लड़की है, इसके भी कुछ ख्वाब हैं जिन्हें ये सच करना चाहती है, कुछ झूठ भी बोल देती है, और उस झूठ का यू नो झूठ की वजह से इसको क्या क्या आगे फेस करने पड़ेगा ये पता चलेगा क्या। कभी कभार हमारे कुछ जब हम कभी झूठ बोलते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कभार हम सच बोल के भी फंस जाते हैं, तो इसमें भी बहुत सही चीज़ें, ये नॉर्मल लड़की है,
इसके ख्वाब क्या पता सच्चे हो जाएं या क्या पता ना हो, और फिर उसके बाद इसको जो ये अल्लाह ताला से मांगती है और उसको जब वो मिल जाता है तो उसके बाद दिखाते हैं कि कितनी स्ट्रगल करती है। क्योंकि कभी कभार हम अल्लाह ताला से यू नो मांग रहे होते हैं, हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, हम आगे का नहीं सोच रहे होते। जब हमें वो मिल जाता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये तो हमारी खुशी नहीं है, इसमें हमारी खुशी नहीं है, खुशी तो कुछ और है, खुशी ये नहीं है। तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी, इसमें भी हमें कोई जर्नी ऑफ फेथ नज़र आने वाली है। yes, मतलब बिल्कुल, और ये आपके मेरे ख्याल है फासिक में भी हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ वाली जर्नी देखी थी, वो जो एक सफ़र है। फासिक तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है अभी भी, अगर यू नो मेरे पास जो मेरे फासिक के फैंस हैं उनके मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, इतना अच्छा लगता है वो मुझे जब आपको एक कोई एक बात बोलते हैं ना, यार मैंने आपसे ये चीज़ सीखी या मैंने आपकी वजह से ये करना शुरू किया, तो वो आपके लिए वहीं ख़त्म हो जाता है। यार मतलब इसका मतलब है मैंने यू नो कर लिया काम, उसमें जो मैंने किया उसका मुझे सिला मिल गया। तो फासिक तो मेरा फेवरेट है, और रंग महल की तो बात ही और है। अच्छा ये वाले इस कैरेक्टर का आपका नाम क्या है, इससे कोई चीज़ लोग अडॉप्ट करेंगे, कुछ असर होगा लोगों पे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लोगों को पता चलेगा कि नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं बता रही, लोगों लोग आप लोग प्लीज़ देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या होने वाला है। अच्छा मेरा ख्याल है कि हमें सस्पेंस ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो आप देखेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा। क्या कहा कि पूरी कोशिश है कि मैं सस्पेंस ख़राब कर दूँ, सारी स्टोरी बता दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बहुत सख्ती कर रही है ये। चल जल्दी से हम रैपिड फायर कर लेते हैं और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ये बताएं जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है तो आप रुक नहीं सकते, आज आपके सारे सवाल गलत हुए हैं तो आप होशियार हो जाइए। ओके, सो बिरयानी और निहारी? बिरयानी। हाय, बिरयानी बिरयानी बिरयानी। कॉफी और चाय? कॉफी। कराची और लाहौर? कराची। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? माय मोबाइल। ओह, अम्मा और अब्बा? दोनों। फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट? टेंट। सब लड़कियों का ही वो फेवरेट हुआ है मेरे ख्याल से, बिकॉज़ यू नो आप ब्लश ऑन भी लगा लेते हो इससे टेंट भी हो जाता है और हम पूरा पूरा मेकअप उसी से कर लेते हैं। अच्छा जी, अगले प्रोजेक्ट में किसकी हीरोइन आना चाहेंगी? वो तो अब मैं कैसे बता सकती हूँ, तो सोच के बता दें, कोई दिमाग में हो कि यार इसके साथ मैं अच्छी लगूंगी, ऑन स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री नजर आएगी, ऐसा कोई? एज एन एक्टर मुझे वहाज पसंद है। वहाज आप बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। हाँ तो मुझे लगता है लाइक हाँ उनके साथ या फिर आहद के साथ। Oh. या फिर आहद इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर बाय द वे, एंड बहुत सारे एक्टर्स हमारे। एक बताना है यार, सब एक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। ये गलत, मैं यहाँ पे क्या कहूँ, आप लोग देख रहे हैं इनकी सख्ती। माय स्टेटमेंट। अच्छा चले भाई ठीक है, बॉलीवुड से ऑफर आई तो किसके साथ काम करना चाहेंगी? जिसके साथ ऑफर आएगी। अगर सोचे ना, एक ऑफर आ रही है आपको पता ही नहीं है आपके दिमाग में किसका ख्याल आएगा? बॉलीवुड पहले मैं यहाँ काम करना चाहूँगी, बॉलीवुड में मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मुझे लगता है पता नहीं अगर वो हुई तो फिर मैं कर लूँगी। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं आपकी, मतलब कोई बाउंड्री आपने सेट की हुई है? अगर एज एन एक्टर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर होता है और एज एन एक्टर आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें एक्ट कर सकती हूँ, अब एक कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ मुझे लग रहा है कि वो मैं कर ही नहीं सकती, तो मैं क्यों इस चक्कर में चली जाऊँ वो बॉलीवुड से ऑफर आई है? तो आपको पहले यू नो पता होना चाहिए ना कि आप कैपेबल हो भी कि नहीं। आई थिंक इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कैरेक्टर आपको समझ में आता है तो फिर ये बॉलीवुड पर बिल्कुल जाना चाहेंगे। और एक्टर तो आप बाद में देखते हो ना, पहले तो आप स्क्रिप्ट देखते हो, तो पहले आप ये नहीं बोलते मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है। हाँ, कहानी अच्छी होनी चाहिए, कहानी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट। सो फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री? दैट्स अ टफ वन, सो प्राउड ऑफ मी। फेवरेट एक्टर? यार इतना टाइम नहीं लेते ना। एक्ट्रेस तो सबा कमर मुझे पसंद है। सबा? हाँ हाँ, सबा पसंद है, सज्जल पसंद है। एक एक ये लड़की बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। फेवरेट एक्टर एक बताने, एक फवाद खान। ओके फवाद, एंड एक्ट्रेस? सबा कमर। सबा एंड फवाद, ओके। सबसे पहले क्या खरीदती है, कपड़े जूते और मेकअप? कपड़े। ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड बर्दाश्त किया है? यस yes, एक दफ़ा मैं वेबसाइट का नाम नहीं बता रही, मैंने शूज़ बैग मंगवाया था, शू बैग जो था, और मेरे पास आया ज़िपर बैग। ओ माय गॉड, उसके बाद मैंने कहा मैं आज के बाद कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है आप शू बैग मंगवाओ और आपके पास ज़िपर बैग आ गया, मतलब मेरे कपड़े डालने के लिए ज़िपर बैग आया, तो मैं नहीं थे क्या मेरे पास पैसे? ने पैसे वैसे दे दिए थे? नहीं ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको, मैंने ना मैं क्या बोलूँ उनको, मैं लड़ी भी नहीं। गलत करते हैं आप लोग, जो जो ये सब देख रहे हैं ना आप, कुछ खुदा का खौफ कर रहे हैं आप लोग, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। लाइफ पार्टनर में कोई एक खूबी क्या होनी चाहिए?
मोहब्बत करने वाला हो, अच्छा, इज्जत देने वाला हो। दो खूबियाँ हो गई और बड़ी कमाल की इन्होंने बात की है कि इज्जत और मोहब्बत के सारे मुझे लगता है आप यू नो जिंदगी गुजार सकते हो अगर रिश्ते में मोहब्बत है और इज्जत है, सिंसेरिटी है तो, और मेरा ख्याल है लाइफ पार्टनर वो तो फिर बाकी नसीब होता है। बिल्कुल ऐसे है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। पहले अरेंज मैरिज कहती थी मगर मुझे अब लगता है कि आप पहले अगर इंसान को जान लो, पहचान लो, तो आगे की जिंदगी आपके लिए आसान हो जाती है। आप किसी ऐसे इंसान, मतलब आपकी शादी है ना, आप कोई वो थोड़ी कर रहे हो एक्सपेरिमेंट कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ अरेंज। जो लोग करते हैं उनकी भी कामयाब है, ऐसा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पहले जान लो, पहचान लो, थोड़ी बात कर लो। आई थिंक आप कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ, तो फिर आप जिंदगी गुजारने का फैसला कर सकते हो। ओके जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर फैसल कुरैशी। कमाल। वाह वाह वाह। और कैरेक्टर का नाम भी कमाल है उनका, ये रिवील कर दिया है इन्होंने कि कैरेक्टर का नाम कमाल है और आप लोग हमें कमाल करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दें, इतनी बातें हमने कर ली हैं कि कितने एक्साइटेड हैं आप लोग सहर को और फैसल को साथ देखने के लिए। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा सवाल था जो मैं सहर से पूछ नहीं सकी हूँ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।